मुझे तुम शोहरतों के दरमियाँ गुमनाम लिख देना, जहाँ दरिया मिले बे आप मेरा नाम लिख देना। तुर्की विनाशकारी भूकंप के 144 घंटे बीत चुके हैं, मगर नहीं कम हुआ तो वो है दर्द भरी दास्तां। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे एक नई कहानी आपका कलेजा चीर देगी। कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि आज दूध में हुए बच्चों के सिर से अपने माँ बाप का साया उठ गया। कई बच्चों का आहार तो सिर्फ अपनी माँ का दूध था। शायद जब वो बड़े होंगे तो उनको माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं होगा। ये मंजर उनकी आंखों में धुंधले पड़ जाएंगे। सिर्फ तस्वीर और बड़े लोगों की कहानियों में वो अपने वालदैन को सुन पाएंगे और देख पाएंगे। जुबैर रिजवी साहब की एक गज़ल शुरू होती है एक शेर से, मुझे तुम शोहरतों के दरमियाँ गुमनाम लिख देना, जहाँ दरिया मिले बे आप मेरा नाम लिख देना। आज वो मासूम जिंदा तो हैं, मगर गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, परत दर परत कहानियाँ सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जिनको लगता है बस देखते रहें, वो उदास चेहरे, आरजू भरी निगाहें, ज़िंदगी की आस, अपनों को खोने का दर्द, ये सब चेहरा बयां कर रहा है। तुर्की का अदाना सिटी अस्पताल ऐसे बच्चों से भरा है। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा है। ये बच्चे अभी सिर्फ दर्द महसूस कर रहे हैं जो जख्म इनके शरीर में लगे हैं, लेकिन ये अभी समझ नहीं पाए हैं कि इन्होंने कितना कुछ खो दिया। मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर एक घायल 6 महीने की बच्ची को बोतल से दूध पिला रहे हैं। इनके माँ बाप का कुछ पता नहीं है, या तो वो मर गए या फिर अभी तक लापता है। ऐसे बच्चों के सैकड़ों मामले मिले हैं जिनके माता पिता मर चुके हैं या उनका पता ही नहीं चल पाया है। भूकंप ने उनके घरों को तोड़ दिया। फिलहाल रेस्क्यू जारी है।